इतने हाथों में मैं सुरक्षित हूं। किसानों को अपनी जीन्स को बेचने के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, वो पड़े रहते हैं, बरसात में ख़राब हो जाता है। इसके अलावा बेरोजगार युवक हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बंद होने के कगार पर है, इंडस्ट्रियल एरिया को इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनाएंगे, ये सब चीज़ें जो है, बहुत सारी शिक्षा है, पानी है, चिकित्सा है, बिजली है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको मैं दिन रात प्रयास करके हम लोग सब, ये देखिए ये टीम भावना का काम है। मैं कोई अकेला कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरी टीम जो है, मेरे हमारे साथियों की टीम है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी होंगे, वो सब मिल करके बैठ करके हम लोग बनाएंगे स्कीम और नए आयाम स्थापित करेंगे, देखेगा। अब देखना ये है कि अभिनेश महर्षि कितना खरा उतर पाते हैं रतनगढ़ की जनता के भरोसे पे। सुदर्शन न्यूज़ के